नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्मों के दाता भगवान शनिदेव ने भेजा आपके लिए एक गुप्त संदेश, जो दोस्तों आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल पर होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, जिन्हें सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे ही खुशखबरी होंगी, कुछ ऐसे ही चमत्कार आप सभी के जीवनकाल में आने वाले चार दिनों के अंदर होने वाले हैं कि दोस्तों सुनकर आप सभी के रोंगटे तो खड़े होंगे। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब आप इनके बारे में अच्छी तरह सुनेंगे तो दोस्तों खुशियों के आंसू पूरे परिवार बहाएंगे। ये दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव कर्म के दाता है, तो दोस्तों ऐसे में आपको कुछ विशेष सावधानियां आपको जरूर रखना है, अच्छे कर्म आपको जरूर करना है। तो दोस्तों यश में आने वाले चार दिनों तक आप सभी को कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि भगवान शनिदेव का यह पत्र आप सभी के जीवनकाल में आपको कौन से संकेत कर रही है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाले चार दिनों के अंदर मिलेगा, और जो ग्रहों की भी स्थिति बनेगी इनके अनुसार आपका राशिफल कैसा रहेगा, घर के माहौल में, परिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी दोस्तों, और इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में भगवान शनिदेव से जुड़ा जो बात आपको बताने वाले हैं, जो कर्म से जुड़ी बात है, दोस्तों बहुत ही अच्छी सीख है आप सभी के जीवनकाल के लिए। तो दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर भगवान शनिदेव का स्मरण कर लें। दोस्तों यकीन कीजिए, भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवनकाल पर बरसेगी, आप सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके जीवन काल के एक सबसे बड़े सिख के बारे में, जो कि कर्म से जुड़ा है, जो कि भगवान शनिदेव से जुड़ा है। तो दोस्तों आप इन्हें पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम में गए, वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि ऐसा नहीं है देवऋषि, हो रहा है, सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल में लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरी से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की यह बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उनका भाग्य तय होता है, इसलिए दोस्तों इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलता है। अगर यश में आपके लिए कोई विनाशकारी परिस्थिति है तो दोस्तों आप अच्छे कर्म कीजिए, भगवान शनिदेव पर विश्वास कीजिए, आपका यह दुर्घटना, आपकी परेशानी टल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे कर्म से ही आपके भाग्य बदल जाएंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान, यह सीख अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर भगवान शनिदेव की शुभाशी और ग्रहों की बदलती चाल के कारण आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।
दोस्तों यशु में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यशमय आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यशमय अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यशमय हो सकते हैं तो दोस्तों यशमय बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यशमय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यशमय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे जो ग्रह स्थिति होंगे यशमय बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होगी। दोस्तों यशमय बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यशमय मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यशमय हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज्यादा मौज मस्ती के समय को यशमय व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों यशमय आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यशमय को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यशमय योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यशमय लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यशमय इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यशमय प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यशमय मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों यशमय आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि रुपये पेशे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें, आपकी कोई योजना यशमय गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यशमय उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यशमय आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यशमय आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यशमय आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यशमय आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है यशमय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी यशमय सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी।